बल्कि तो आप किसी भी ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग को कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी ट्रांसफार्मर के आप टर्न्स को निकाल सकते हैं। बल्कि हम इसमें आज जो बताएंगे आपको, वो हम बताएंगे 7 नंबर 3 इंच में हम कितने केबीए का बना सकते हैं ट्रांसफार्मर को, मतलब कि स्टेबलाइजर के लिए हम कितने केबीए का बना सकते हैं, और उसके हम टर्न्स को कैसे निकालते हैं वो भी इसमें क्लियर करेंगे। और इसमें साथ ही साथ में हम ये एक पूरा डाटा भी क्लियर करेंगे 7 नंबर 3 इंच में, ठीक है, और अल्मोनियम में या कॉपर में दोनों का ही रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। तो मैं हूँ आपका अपना भाई तौसीफ, और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों वीडियो में देख लेना अच्छे से, आपको पता भी चल जाएगा कि टर्न्स को कैसे हम निकालते हैं या हम कोई भी डाटा कैसे शेयर करते हैं, वो आप खुद से भी अपने आप से टर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। बस वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमारी ये जो वाइंडिंग है, ये है हमारी एसी वाइंडिंग, मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग, और ये है डीसी वाइंडिंग, मतलब कि सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। अब ये सेकेंडरी वाइंडिंग का है ये जीरो लूप, और ये है 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई जो कि हम अपने माइक्रो कंट्रोलर सर्किट में देते हैं। अब ये है जीरो लूप, और ये है फर्स्ट लूप हमारी 137 वोल्ट की, और दूसरी लूप जो है वो है हमारी 200 वोल्ट की, और जो कि तीसरी लूप है वो है हमारी 240 वोल्ट की, और जो कि चौथी लूप है वो है हमारी 290 वोल्ट की, और दोस्तों जैसा कि जो लास्ट वाली लूप है वो है हमारी 300 वोल्ट की, ठीक है। तो यानी कि 5 लूप में भी आप बना सकते हैं और 4 लूप में भी, ठीक है। अब यहाँ पर इसके टर्न्स को कैसे निकालते हैं वो यहाँ पर आप अच्छे से एक बार समझ लें। तो जैसे कि यह है कोर 7 नंबर की, और इसका जो बीच वाला साइज है वो आपको देखना है कि इसका कितना इंच का साइज है, वो भी आपको इंच में ही साइज लेना होगा। तो कोर चाहे आपके पास 7 नंबर की हो, चाहे 4 नंबर की हो, चाहे 8 नंबर की हो, चाहे 8 भी हो, चाहे 7 भी, कोर चाहे कोई सी भी हो, ठीक है, बस आपको बीच का साइज लेना होगा। तो मेरा है ये 2 इंच का, यानी कि 7 नंबर का जो कोर होती है उसका जो बीच का साइज होता है वो होता है 2 इंच का। अब हमें बॉबिन देखना है कि हमारी बॉबिन की स्ट्रेक कितनी रहेगी, 3 इंच रहेगी या 2 इंच रहेगी, जितना भी होगा वो आपको लेना होगा। तो जैसे कि जिस तरह से हम कोर डालते हैं वो यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक का साइज नहीं लेना है, आपको यहाँ से यहाँ तक का साइज लेना होगा, ठीक है, यानी कि इसकी स्ट्रेक कितनी रहेगी। तो हम बनाएंगे 7 नंबर 3 इंच में, तो 7 नंबर 3 इंच का हम इसमें टर्न्स निकालेंगे, ठीक है। तो दो आप 2 इंच और फिर 3 इंच में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप करेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल 6 निकल कर आएगा, ठीक है। फिर आपको एक फार्मूला लेना होगा जो कि ये है 7.5 का, ये फार्मूला है, इसको आप क्या करेंगे, इसको करेंगे भगा किससे, 6 से, जो आपका टोटल निकल कर आया था, ठीक है। आप जब इससे टोटल भगा करेंगे तो आपका जो टोटल निकल कर आएगा वो आएगा आपका TPB, तो ये होगा अपना 1.25 यानी कि 10 पर वोल्ट। तो ये थी आपकी TPB। तो अब इस TPB के ही जरिए से आप इसके टर्न्स को निकालेंगे, क्योंकि जो जो इसमें वोल्टेज रेंज है अब उसी के हिसाब से इसमें टर्न्स निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लेता हूँ कि मेरी जो फर्स्ट लूप है वो है 137 वोल्ट की, और जो दूसरी लूप है वो है 200 वोल्ट की। तो अब हम टर्न्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 137 वोल्ट को हम लिख सकते हैं और 1.25 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने टर्न निकल कर आए हैं, 171 टर्न, मतलब कि आप चाहें तो 172 भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो 171 भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरी लूप में देखते हैं, 200 वोल्ट की है तो इसका 137 और 200 में जो भी डिस्टेंस होता है वो आपको देखना है, ठीक है। तो 63 वोल्ट का डिस्टेंस है इसका, तो यहाँ पर आ रहे हैं इसके 78 टन, ठीक है, यानी कि 200 वोल्ट के लिए जो हम टन देंगे वो देंगे 78 टन। फिर इसी तरीके से फिर हम TPB अपनी लगाएंगे 1.25 की, और फिर 240 के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो 40 वोल्ट का इसमें डिस्टेंस है, ठीक है, तो हम 40 वोल्ट के हिसाब से इसके टन निकालेंगे, तो यहाँ पर जो है 50 टन हमारे आ चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसी तरीके से आपको फिर देखना है कि हमारा 240 और 290 में कितना डिस्टेंस है, वो आपको उसी हिसाब से उतना टन निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देना है आपको 62 टन,
और उसके बाद में फिर नीचे वाली लूप में हमें तो 10 का ही डिस्टेंस लग रहा है, तो हम 10 के हिसाब से इसके टन को निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है 12, 12.5 आ रहे हैं, तो आप 13 टन डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये थे इसके टन्स प्राइमरी के। अब चलिए हम सेकेंडरी के इसके टन्स निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई है, तो हम 26 के हिसाब से इसके निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जो आ रहे हैं 32.5 टन आ रहे हैं, यानी कि 33 भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो 32 भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये थे इसके टन्स, मैंने जो कि आप लोग को टन्स अच्छी तरीके से समझाया भी है कि किस तरह कैसे निकालते हैं, और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं इसके वायर गेज की तरफ कि वायर गेज हम कौन सा इसमें यूज करेंगे। तो वायर गेज जो हम यूज करेंगे वो एकदम पूरा ही आएगा, यानी कि परफेक्ट रहेगा, ठीक है। यानी कि जितना साइज है इतने साइज में आपका एकदम बिंदास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 नंबर की कोर है गई हमारी, ठीक है, और 3 इंच का हमारा बॉबिन साइज हो गया, ठीक है। और जो हम प्राइमरी वाइंडिंग में जो वायर गेज यूज करेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो प्राइमरी में हम यूज करेंगे 16 नंबर का वायर गेज, यानी कि आप चाहे अल्मोनियम में डालें तब भी 16 नंबर डालना है, चाहे तो आप कॉपर में डालें तब भी 16 नंबर का डालना है, ठीक है। और 26 नंबर का आप कॉपर यूज करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये थी इसके टन्स और इसके वायर गेज, इसके कोर नंबर बहुत एक अच्छी तरीके से समझाया भी है। पर एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, यहाँ पर जो है, जैसे कि आपको नहीं पता है कि 16 नंबर में कितना लोड हमारा लेगा या कितना नहीं लेगा, इस चीज़ के ऊपर क्लियर नहीं है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसका जो लोड है पूरा 16 नंबर का जो वायर गेज आप चला रहे हैं, यानी कि 7 नंबर 3 इंच में कितना लोड ये ले सकता है, तो ये मैक्सिमम वही आप 2 KVA का लोड इसमें ले सकता है, ठीक है। 2 KVA का इसमें लोड आप देख सकते हैं मैक्स, ठीक है। और इसमें अगर बात करें लोकल साइज की, तो आप इसको 3 KVA में बना सकते हैं, ठीक है। तो 3 KVA में ये लोकल साइज चलता है, पर ऐसा ना कर दें कि कहीं पर 3 KVA का ही लोड हो आप इसको बना दें, तो यहाँ पर जो है आपका ट्रांसफार्मर जल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 KVA के हिसाब से आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हम 3 KVA का चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। तो अच्छा, बात करें ये लोकल साइज में, भाई आपका 3 KVA का चल सकता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के लिए था ये, और 5 लूप में भी यूज कर सकते हैं और 4 लूप में भी। पर ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोगों को ये अच्छे से समझ में आया, कितने लोगों को नहीं अच्छे से समझ में आया, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो वीडियो को करते हैं एक लाइक कर देना, एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखें।